हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं डीसी की तरफ से एक और आ रही रूमर के बारे में। वेल, ये रूमर है फिल्म प्लास्टिक मैन की। जी हाँ, तो शायद अब हमें डीसी के यूनिवर्स में फ्यूचर में एक और सुपर हीरो नजर आने वाला है जिसका नाम है प्लास्टिक मैन। वेल, तो क्या है वो सारी डिटेल, चलिए उस पर बात करते हैं। सो फ्रेंड, मुझे लगता है कि ये बात के प्लास्टिक मैन की फिल्म डेवलप की जा रही है हमने पहली बार नहीं सुनी है, क्योंकि अगर कुछ लोगों को याद होगा तो इसकी अनाउंसमेंट की गई थी 1995 में कि वार्नर ब्रदर्स चाहता है कि वो एक प्लास्टिक मैन की फिल्म बनाए, क्योंकि उन दिनों बैटमैन और बैटमैन रिटर्न फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया था, जिस हिसाब से वार्नर ब्रदर्स चाहता था कि प्लास्टिक मैन फिल्म को टिम ब्रूटन डायरेक्ट करे। उसके बाद शायद कुछ प्रॉब्लम हुई होगी जिस वजह से टिम ब्रूटन ने प्लास्टिक मैन के प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और फिर बात की गई स्टीवन स्पीलबर्ग से, लेकिन फिल्म का बजट प्रॉपर तरीके से नहीं बैठ पा रहा था, इसलिए इस फिल्म के प्रोजेक्ट को 1995 में कैंसिल कर दिया गया। और अब इतने सालों बाद ये खबर फिर से हमें सुनने मिली है कि प्लास्टिक मैन फिल्म पर फिर से काम शुरू किया जाएगा, और अब इस बार इस फिल्म के राइटर की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने वाली है अमेंडा इडोको, जिन्होंने अब तक अपने करियर की बेस्ट फिल्म तो नहीं लिखी है, लेकिन उनकी एक फिल्म ऑलमोस्ट बनकर रेडी है जिसका नाम है ब्रेकिंग न्यूज, और आने वाले कुछ दिनों में हम उस फिल्म को देखने वाले हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे लगता है अगर प्लास्टिक मैन फिल्म बनी तो ये फिल्म अमेंडा के करियर की सबसे बड़ी फिल्म होगी, और अगर बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म चलती है तो फिर बात ही छोड़ दो। लेकिन अगर देखा जाए तो शायद डीसी के यूनिवर्स में हमने प्लास्टिक मैन फिल्म देखी तो ये डीसी के यूनिवर्स की सबसे फनी फिल्म होगी, क्योंकि प्लास्टिक मैन का कैरेक्टर डीसी के यूनिवर्स में सबसे ज्यादा फनी है, और ये कैरेक्टर हर एक चीज को सिर्फ और सिर्फ मजाक में ही लेता है, तो जितना ज्यादा ये कैरेक्टर मजाक कर सकता है उतना ज्यादा ये कैरेक्टर सीरियस भी है। तो देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में शायद इस फिल्म के डायरेक्टर की भी अनाउंसमेंट कर दी जाए, और फिर शायद ये फिल्म हमें 2020 या फिर 21 तक देखने मिले, अगर इस फिल्म के काम की रफ्तार इसी तरीके की रही तो। अब आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपको डीसी के यूनिवर्स में प्लास्टिक मैन फिल्म देखने मिली तो आपकी क्या राय है उस बारे में। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही, जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथों उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।